और इस समय की बड़ी खबर मैं आपको लगातार बता रहा हूं, पीएम मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि उसके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले के बाद देश में भारी गुस्से को देखते हुए सुरक्षा बलों को पूरी छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि देश का खून खौल रहा है और आतंकियों ने हमला कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, यानी गलती कर चुके हैं आतंकी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकियों को उनके किए की सजा मिलेगी और आतंक को कुचलने की लड़ाई और तेज होगी। प्रधानमंत्री ने पुलवामा हमले पर राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहने की भी बड़ी सलाह दी, लेकिन ये तमाम बातें हुई हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने एग्जैक्टली क्या कहा। आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके, मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं, उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है, लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें, इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है, देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीत